दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे गुली बुली इन ग्रेवयार्ड का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में आने वाली नहीं है। गुली और सॉनबुली को ढूंढने टनल में कूद जाते हैं और धीरे धीरे दबे पैर टनल के अंदर जाने लगते हैं। सॉन सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि बुली जिंदा होगा। वो गुली से कहता है, गुली हम लोगों को वापस चलना चाहिए, इतने खूंखार खतरनाक जोम्बियों को देख के मुझे डर लग रहा है, कहीं हम लोग भी इनके पेट में ना चले जाएं। गुली सॉन से चुप होने के लिए कहता है। थोड़ा और अंदर आने के बाद जब गुली और सॉन को बुली नहीं मिलता है तो वो सॉन से कहता है, सॉन तुम इधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। सॉन कहता है, ठीक है लेकिन संभल के जाना। गुली कहता है, ठीक है। इसके बाद गुली और सॉन दोनों लोग टनल के अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। सॉन को तो बहुत डर लग रहा होता है, वो रास्ते में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था। गुली टनल के काफी अंदर पहुंच जाता है लेकिन उसको बुली नहीं मिलता है। वो वहां से निराश होकर जाने लगता है तो वो समझ जाता है कि बुली को इन जोम्बियों ने जिंदा चबा लिया होगा। वो रोता हुआ वहाँ से वापस आने लगता है। इधर सॉन भी टनल के आखिरी तक पहुँचने के बाद देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो गुली से पहले ही कह रहा था कि बुली को इतने खूंखार जोम्बियों ने चबा लिया होगा। इधर गुली जब टनल से बाहर आ रहा था तो उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। गुली चुपचाप उठता है और बाहर लड़खड़ाते हुए आने लगता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सारे जॉम्बी उठ जाते हैं, वो जग जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि कोई तो यहाँ आया हुआ है। अब गुली की तो आफत आने वाली है। गुली चुपचाप लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके चारों तरफ जॉम्बी जॉम्बी थे। वो बगल में रखे ड्रम के अंदर घुस जाता है। इधर सॉन भी चुपचाप वहां से भागने लगता है लेकिन वो देखता है कि सामने जॉम्बी हैं तो चुपचाप ड्रम के साइड में छुप जाता है। लेकिन ये क्या, गुली के पास किसी की कॉल आती है। गुली चुपचाप बात करता है और फिर वो सॉन के पास कॉल करता है, सॉन से कुछ बताता है। लेकिन ये क्या, ये सारे जॉम्बी समझ जाते हैं कि गुली तो यहाँ छुपा हुआ है। सारे जॉम्बी गुली के पास आने लगते हैं। इधर सॉन भी चुपचाप बैठा हुआ था लेकिन जैसे ही फोन आता है वैसे वो खड़ा हो जाता है और देखता है कि जॉम्बी तो उसके पास आ गए। अरे ये क्या, यहाँ तो जॉम्बियों के साथ साथ मम्मी भी हैं और एक मम्मी ने उठा के गुली को बाहर पटक दिया। लगता है आज गुली का आखिरी वक्त है, आज गुली को खा के ही रहेंगे। लेकिन ये क्या, अपने बाबा जी आ गए। क्या बाबा जी गुली और सॉन को बचा पाएंगे क्योंकि काफी देर ना हो जाए। जैसे सारे जॉम्बी गुली को खाने ही वाले होते हैं तभी हमारे बाबा जी वहां आ जाते हैं। अब तो जॉम्बियों की शामत होने वाली है, अब कौन बचाएगा इन जॉम्बियों को। बाबा जी फुल मूड में हैं और गुस्से में उन्होंने एक ऐसी शक्ति मारी, अब ये लोग बाबा जी का रुद्र रूप देखेंगे। अरे ये क्या, ये तो एक ही एक बार में ढेर होते जा रहे हैं। इधर गुली को एक जॉम्बी नोच नोच के खाने ही वाला था लेकिन ये क्या, ये भी ढेर हो गया। लेकिन पीछे से वही खतरनाक बड़े दांत वाला जॉम्बी और ग्रेवयार्ड आ गई है। कि बाबा जी इनसे जीत जाएंगे।
फिर गुली बाबा जी से कहता है, बाबा जी हम लोग कब तक इनसे लड़ते रहेंगे, हम लोगों को गुली और सौन को लेके यहाँ से चलना चाहिए। और फिर बाबा जी और गुली जैसे कोई खाद लेके जा रहा होता है वैसे सौन और गुली को बीच में रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मेक जोकिन हॉरर। धन्यवाद, नमस्कार।